प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास, जिसका टॉपिक है हॉल नंबर के एक टॉपिक को आप लोगों को कराने जा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और साथ में ये भी हमको ध्यान रखना है कि इससे पहले आप लोग नेचुरल नंबर कर चुके हैं। जो आप लोगों को ध्यान रखना है नंबर सिस्टम के अंदर, वह है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, साथ में फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद इंटीजर नंबर, और आखिर में रियल नंबर। यानी कि ये एक टॉपिक्स है। पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप की क्लास बेसिक है, तो ये बता देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है। आज हम स्टार्ट इसको कर रहे हैं, इसलिए आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या है, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम ना हो। नंबर सिस्टम में क्या, नंबर सिस्टम के लिए, जैसे अब मैंने नंबर सिस्टम लिखा, तो सबसे पहली चीज वो होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे कहते हैं। फिर हम दूसरी चीज पर आएंगे, नेचुरल नंबर के बाद आएंगे हम, नेचुरल नंबर के बाद हम आएंगे होल नंबर पर। होल नंबर के बाद तीसरी बात पे आएंगे हम, इंटीजर पर। इंटीजर के बाद हम आएंगे फ्रैक्शनल पर। इसके बाद आएंगे बेटा हम डेसिमल पर। इस डेसिमल के बाद, यानी फ्रैक्शनल के बाद डेसिमल पे आएंगे, और डेसिमल के बाद जो हम आएंगे वो हम फिर उस पे आएंगे, क्या नाम है, रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर के बाद आएंगे हम इंड्यूशनल नंबर पर। और इसके बाद है रियल नंबर। ये बात है रियल नंबर, रियल नंबर। ये टॉपिक है आपके जो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, जो अलग अलग क्लासों में है। ये ध्यान रखना है कि अलग अलग क्लासों में, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ होती है, एंड यहाँ होता है, मतलब ये चलता रहता है। इस तरह से हर चीज आती रहती है। जैसे आप जब छोटी क्लास में थे तो आपने अल्फाबेट सीखे, चाहे वो हिंदी के अल्फाबेट सीखे या इंग्लिश के अल्फाबेट सीखे, आप लोगों ने उसे सीखते चले गए और करते चले गए, तो उसका कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने सारा कुछ लिखा कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। अब आपके मन में आता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स बेसिकली हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, ये हम लोगों को देखना है कि नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो वन से स्टार्ट होता है। बच्चों, वन से, वन टू थ्री फोर फाइव एंड गो टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर वन से लेकर इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और हिंदी में हम इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वो संख्या जो मूल रूप से वास्तविक थी, यानी कि हम लोगों को मिली हुई थी। अब एक दो तीन चार पांच, ये इन्फिनिटी तक हमारा ये चला गया। इसके बाद इसमें क्या जरूरत पड़ी कि ये नेचुरल नंबर जब हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, तो नेचुरल नंबर की लाइन भी हमने देखी कि कहाँ से स्टार्ट होती है। फिर नेचुरल नंबर को हमने कंपेयर भी किया कि कंपेयर करके कौन छोटा था कौन बड़ा था। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में, खासतौर पर थर्ड में, सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इन सभी क्लासों के अंदर आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स के नंबरों को ही आगे पीछे करते हुए देखा है। और नेचुरल नंबर नहीं, ज्यादातर आपने होल नंबर भी देखे हैं कि होल नंबर में जीरो भी आप लोगों कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा था। तो इसमें ये हमें जरूरत पड़ी, ये क्यों जरूरत पड़ी कि जब किसी ने ये कहा कि भाई दो में तीन जोड़ो, तो हमने जोड़ दिया। यानी टू में थ्री को ऐड किया तो हमने कह दिया फाइव होता है। थ्री में टू को जोड़ा, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आई। सब्ट्रैक्ट करने में हम लोगों को दिक्कत आई, जब थ्री में से टू को घटाया तो वन आया, लेकिन टू में से टू घटाया, यानी टू में टू सब्ट्रैक्ट किया, या टू में से थ्री को सब्ट्रैक्ट किया, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आपसे पूछा गया कि भाई हमारे पास दो सेब थे, और अगर दो के दो सेब को हमने किसी को बांट दिया तो अब हमारे पास कितने सेब बचे, कितने एप्पल बचे। तो आपने कहा कि जी कोई नहीं बचा। तो कोई नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर कोई शब्द जो है वो नहीं इस्तेमाल होता है। उसके लिए
फिर हमने कहा कि एक नए इन्वेंशन की जरूरत पड़ी, और वो था होल नंबर। और होल नंबर ने कहा कि वो जीरो से स्टार्ट हो गया इस तरह से, और वह इन्फिनिटी तक चला गया इस तरह से, इन्फिनिटी चला गया यानी जीरो से स्टार्ट हो गया बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमारा ये नंबर स्टार्ट हुआ। ये होने के बाद ये बात ठीक हो गई, और यहाँ पर ये भी आ गया। अब सबट्रैक्शन में यहाँ तक तो फॉलो हो गया कि किसी भी संख्या को हम ए में से बी को घटा सकते हैं, यानी ए में से बी को हम घटा सकते हैं, लेकिन ए की बी की कंडीशन रख दी गई कि जो ए इज, ए जो है वो बड़ा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा बी से जब भी घटेगा। आप देखें कि आपने कहा कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी के बराबर है, इसका मतलब वो चार में चार गया जीरो आ गया, तीन में तीन गया जीरो आ गया, आठ में से आठ गया जीरो आ गया। लेकिन अगर कंडीशन यह हो जाए कि तीन से चार, तीन में से चार घटाना हो, यानी जो ए है वो छोटा हो जाए बी से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये चीज फॉलो नहीं करती थी। जब ये फॉलो नहीं करती थी तो यहाँ पर फिर हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और यहाँ पर जो इंटीजर्स अगला आया, यानी अगले जो साइंटिस्ट ने जिसको इन्वेंशन किया किया उसने कहा कि ये इंटीजर है, और इंटीजर के अंदर आपके सारे के सारे आपके होल नंबर्स होंगे, होल नंबर के साथ बराबर में। उसने कहा कि अगर आप यहाँ से, अगर हम मान के चल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड गो टू इन्फिनिटी मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो इन्फिनिटी आ गया। इस तरीके की संख्याओं को उसने कहा कि ये इंटीजर्स होंगी, यानी इंटीजर्स के अंदर क्या हुआ कि जीरो से छोटी संख्याएं भी इंटीजर्स के अंदर यूज होने लगी। और उस इंटीजर्स को हमने जो कहा वो ये कहा कि इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आप लोग ये देखेंगे यहाँ से, अगर ये आप जी देख रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि ये सर ये होल नंबर्स है, ये होल नंबर है, होल नंबर्स है। मैंने कहा ठीक है ये होल नंबर्स हो गया, और आपने कहा कि जो ये वाला नंबर है, ये वाला, इसको आपने अगर कहा तो आपने कह दिया ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है। यानी देखिए आप, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आ गया, ये वाला संख्या नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी माइनस की संख्याएं आ गई। ये ठीक है, इतनी बात आ गई। इधर तीन तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन थे, तीन अलग अलग उन्होंने इस चीज की खोज की। लेकिन एक आदमी ने ये कहा कि ये तो ठीक है कि आपने ये कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं हों कि तीन आदमी हैं, यानी कि तीन आदमी हैं और उसे अगर हमें 100 रुपये बांटने हैं बराबर बराबर संख्याओं में, तो हम उन्हें कैसे बांटेंगे, क्या बट जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि तीन कैसे बांटेंगे, 100 रुपये को कैसे बांटेंगे, 100 तो नहीं बट रहे हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर एक एप्पल है, एक एप्पल है, और एक एप्पल को चार लोगों के अंदर बांटना है, या तीन में बांटना है, या दो में बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे? तो अब ये यहाँ पर ये फिर एक समस्या पैदा हुई, और उसके लिए एक नए इन्वेंशन की जरूरत पड़ी। और उस इन्वेंशन का नाम बच्चों ये हुआ कि फ्रैक्शनल को नाम दे दिया गया, कि जब भी कोई संख्या इस प्रकार से हमने दे दी गई। और इस फ्रैक्शनल की एक कंडीशन बता दी गई कि फ्रैक्शनल के अंदर ए अपॉन बी की फॉर्म में किसी भी संख्याओं को रखते हैं, और ए और बी की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, ए एंड बी आर होल नंबर, यानी ए एंड बी आर होल नंबर, ये होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन ए और बी होल नंबर तो होंगी, बट कंडीशन भी लगा दी कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, बी क्या है, जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर हमने कहा कि ये एक हमारा हमारा फ्रैक्शनल नंबर हमारा बन गया, यानी कि ये हमारा क्या बन गया बेटा, फ्रैक्शनल नंबर बन गया। जब ये फ्रैक्शनल नंबर बन गया और ए अपॉन बी आ गया, और ए एंड बी आर द होल नंबर्स आ गया, तो ठीक है, आपने कहा कि ठीक है, हम अब हमारे आधी समस्याएं समाप्त होनी चालू हो गई। लेकिन ये फ्रैक्शनल नंबर यहां तक तो ठीक था, जब तक होल नंबर था तो फ्रैक्शनल नंबर ठीक था, लेकिन जैसे ही इंटीजर्स आया उसने कहा कि अगर ए और बी इंटीजर हो जाए तो क्या होगा, यानी कि माइनस में अगर संख्याओं को रख दिया जाए तो भी कोई चीज होगी या नहीं होगी। उसने कहा कि हाँ, ये वाली बात तो बड़ी है। तो उसने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये वाली कंडीशन आ जाती है कि ए और बी जो है ए और बी की फॉर्म में है, और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है,
बट अगर ए ये होगा और ए एंड बी आर इंटीजर, इंटीजर ए और बी क्या हो गए, इंटीजर्स होंगे, यानी ए और बी क्या बन गए बेटा, इंटीजर बन गए। यानी कि ये कंडीशन अगर देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रैक्शनल नंबर में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। a अपॉन b यहाँ है, a अपॉन b यहाँ है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो है, b यहाँ है। लेकिन फ्रैक्शनल के अंदर a और b जो है वो होल नंबर में है, जबकि रेशनल नंबर के अंदर वही a एंड b आर इंटीजर, इंटीजर। और इंटीजर क्या कहलाता है आपका, इंटीजर कहलाता है कि वह संख्या जो इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, यानी इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जाती है, ऐसी संख्याओं को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये समझने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात है कि इसके ये इंटीजर्स के बाद यहाँ पर ये हमारे टॉपिक्स आता है कि रेशनल नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली चीजें आ जाती है। इंडेशनल नंबर्स में, यानी कि इंडेशनल नंबर बेटा अभी आपके नहीं है, लेकिन नाइन्थ क्लास के अंदर आएंगे, यानी ये नाइन्थ क्लास में आएंगे, ये आपके सेवन्थ क्लास में रेशनल नंबर आप पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, ये सेवन्थ में पढ़ रहे हैं आप। इंडेशनल नंबर का मतलब है कि जो ए अपॉन बी की फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में नहीं है, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है, यानी स्क्वायर रूट है, जैसे अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री है, जो सी चीजें जो आपके रेशनल नंबर में नहीं आती हैं, वे सारी संख्या इंडेशनल होंगी। यानी a अपॉन b एंड b इज़ टू a एंड b आर इंटीजर, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जो भी नंबर इस नंबर को नहीं करेगा वो इंडेशनल होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं है नंबर, वो इनरेशनल हो जाएगा, और रेशनल और इनरेशनल को मिलाकर रियल नंबर बनेगा। यानी रियल नंबर के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी कि रेशनल नंबर भी होगा, इनरेशनल नंबर भी होगा, रेशनल और इनरेशनल नंबर होगा। तो यहां पर ये चीजें आ गई, आपके नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया, होल नंबर्स के बारे में मैंने बताया, इंटीजर्स के बारे में बता दिया, फ्रैक्शनल बता दिया कि कब आपके ए और बी फ्रैक होंगे, अभी रेशनल नंबर के बारे में हमने आपको बता दिया, इनरेशनल कह दिया कि जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो इनरेशनल नंबर होंगे, और रेशनल और इनरेशनल को मिलाकर रियल नंबर बन जाएंगे। यानी कि यह एक कंप्लीट नंबर सिस्टम हो जाता है, यानी इसके अंदर और कुछ नहीं बचता है। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो कहीं ना कहीं आप पहली से पढ़ते हैं और टेंथ तक पढ़ते हुए चले जाते हैं, और उसके बाद फिर पूरे आपकी जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये आप लोगों के पार्ट्स बन जाते हैं। इसीलिए ये बताना मेरा आपका जरूरी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ें हम लोग आप यूज करते हैं। तो मैंने एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बता दिया मैंने, इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी, ये कंपेरिजन होंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर होंगे, जितने भी आपके सक्सेसर होंगे, प्रेडेसर्स होंगे, ये सारी सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर उन नंबर के अंदर यूज करने चले जाएंगे जिन नंबरों को हम यहाँ लिखेंगे। एक बार फिर मैं आपको आखिर में नेचुरल नंबर्स मैंने बताए, होल नंबर्स मैंने आपको बता दिए, इंटीजर्स बता दिए, फ्रैक्शनल बता दिया, रेशनल नंबर बता दिया, डेसिमल तो आप जानते हैं, डेसिमल में आप लोग किसी भी संख्या को ई अपॉन बी की फॉर्म में अगर आ रहा है और वह पॉइंटों में यानी उसे आ रहा है, तो वह उसे आप डेसिमल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डेसिमल भी वह हो जाएगा। अगर ये वो उस चीज़ें हो रही हैं तो रेशनल आ गया। तो रेशनल और इनरेशनल नंबर्स की मैंने बता दिया कि जो रेशनल नंबर, जो भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है वह इनरेशनल नंबर है, और जो रेशनल और इनरेशनल को जोड़कर जितने भी नंबर्स बनते हैं वो सब रियल नंबर बन जाते हैं। ये बात हमने आप लोगों को बताई, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम इसके एक एक चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं आपके इस नंबर सिस्टम के बाहर। अब हम पहली चीज लिखते हैं आपकी बच्चों, और पहली चीज है कि नेचुरल नंबर आप लोगों ने क्या हुआ है। अगर हम होल नंबर्स की बात करें या नेचुरल नंबर की बात करें, पहले हम आज आपको
पहला टॉपिक बताते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल का नेचुरल नंबर, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, नेचुरल इस पे आए। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर की संख्याओं का मतलब हुआ कि वो होते हैं संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाती हैं, उन उन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी दूसरी चीजें देखें कि नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर आप डिनोटेट कर सकते हैं, क्या नेचुरल नंबर लाइन क्या होगी, तो आप समझ जाएंगे कि नेचुरल, अगर हम एक लाइन को अगर हम लोग यहां पर डिनोटेट कर देते हैं, ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है, आपने कहा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर लाइन। नेचुरल नंबर लाइन कहते हैं, नेचुरल नंबर लाइन ये वाली, इसको इसे नेचुरल नंबर लाइन कहते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और इधर यहीं से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर लाइन, इससे इधर नहीं जाती है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाती है। इसके बाद अगर कोई हमसे पूछने लगे कि कंपेरिजन करो 2 नेचुरल नंबर्स में, कंपेरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, कंपेयरिंग टू नेचुरल नंबर्स के अंदर कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का तो आपके पास सीधा सा एक फंडा है बच्चों, कि जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, हमने कहा कि हमने कोई संख्या लिख दी 3, 8, 2, 5, 6 ये लिख दिया, एक लिख दिया हमने 3, 7, 3, 6, 4 ये लिख। अब हमने क्या देखा कि जब इन्हें कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब होता है कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी बराबर है, कंपैरिजन का मतलब ही ये होता है। जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो उसका मतलब सीधा सा बच्चों ये मतलब आ जाता है कि इसके अंदर हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सी बड़ी है, बराबर है और कौन सी बराबर, ये तीन तीन चीजें होती है कंपेयर करने के लिए। तो किसी भी नंबर को डिजिट्स को चेक करना है, सबसे पहले उसकी डिजिट चेक करनी, जिसकी डिजिट ज्यादा बड़ी होगी पॉजिटिव के अंदर वो उतना बड़ा होगा, पॉजिटिव के अंदर कह रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर्स के अंदर जिसकी डिजिट ज्यादा है वो संख्या बड़ी है। तो हमने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 दोनों की डिजिट क्या है 5, 5, तो हम पहली बात तो खत्म हो गई। अब उसको कहेगा कि लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, हमने कहा ठीक है, हमने लेफ्ट साइड देखी 3, यहाँ भी 3 आ गया, तो ये दोनों भी, ये भी बराबर है। अब अगले संख्या पर आए, हमने देखा 8 और 7, तो 8 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी है, तो हमने कहा ये ऐसे हो गया, जिधर मुंह खुला हुआ होता है वह संख्या बड़ी होती है, यानी कंपेरिजन करने पे ये चीज आ गई। ऐसे ही हमने दूसरी संख्या लिखी 4, 5, 6, 8, 3, 2 और हमने कंपेरिजन किया 4, 5, 6, 9, 3, 2 अब ये आ गया। अब इसको कंपेरिजन करना है, अगर इसे कंपेरिजन करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों की डिजिट कितनी है बेटा, 6, 6 डिजिट है, अगर 6, 6 डिजिट होंगी दोनों की तो क्या है, दोनों बराबर हो गए, लेकिन संख्या तो छोटी बड़ी होगी होगी। फिर हमने सबसे लेफ्ट में देखा, हमने देखा 4 देखा, यहाँ भी 4 बराबर है, यहाँ 5 देखा, यहाँ 5 बराबर है, यहाँ 6 देखा, यहाँ 6 बराबर है, यहाँ 8 देखा, यहाँ 9 है, और 8 और 9 में कौन सी संख्या बराबर बड़ी है, 9, इसलिए ये ऐसे। अगर कोई संख्या इस तरीके से हो जाए और यह संख्या ये आ जाए, अब आप देखेंगे 2, 4, 6, 2, 4, 5 एक 6 डिजिट है, एक 5 डिजिट है, तो सीधा सा हिसाब है कि जो 6 डिजिट वाली होगी यह संख्या बड़ी हो गई। बात समझ में आ गई आपको, इस प्रकार से हम लोग
कंपेयरिंग द टू नेचुरल नंबर्स के अंदर इस प्रकार से हम कंपेयर करते हैं, और अगर संख्या यहां पर इस वाली संख्या पर यहां पर ये 9 आया हुआ होता, ये 9 आया हुआ होता, तो यहां ये वाला निशान ना होकर प्यारे बच्चों यहां पर ये इक्वल टू का निशान हो जाता, यानी ये बराबर हो जाता। तो ये आपको कंपेयरिंग टू टू नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोगों के समझ में आ जाता है। इसी कंपैरिजन से जिसे हम कंपैरिजन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स कहते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख लेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे हम, ग्रेटर लेस और इक्वल लिख देंगे। और उससे पहले जितनी संख्याओं को अभी इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देखा कि इंडियन सिस्टम के अनुसार से आप नंबर को कैसे न्यूमरल्स में चेंज करते हैं, न्यूमरल्स को कैसे नंबर में चेंज करते हैं, लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हैं, यानी कि इसमें कोई वो नहीं है। वैसे मैं आप लोगों के लिए अभी तो ये बना रहा हूँ, उसके बाद वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, नॉर्मली लोग पूछते हैं यहाँ से लेकर बड़ी क्लास के बीच में, उन सभी क्वेश्चन को एक बना करके कैसे एक पैटर्न होता है, पेपर बनाने का पैटर्न क्या होता है, उस पर भी हम लोग आप आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने कंपैरिजन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया कि कंपैरिजन ऑफ टू नेचुरल नंबर हमारे कैसे होते हैं। इसके बाद बेटा कंपैरिजन के बाद ऑपरेशंस आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी बात हम करेंगे। हम नेचुरल नंबर कर रहे हैं, फिर होल नंबर पे आएंगे, तो अभी हम कंपैरिजन को खत्म करते हैं, यानी कंपैरिजन करने के बाद हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी मैंने इसे मिटा देता हूँ इस वाले चीज को, और ये नंबर्स ये ऊपर छोड़ देता हूं। अब ऑपरेशन, पहली बात हम कहते हैं कि ऑपरेशन किसे कहते हैं, ये ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेशंस क्या होता है। ऑपरेशंस के लिए आप लोगों को एक ही बात ध्यान रखनी है बच्चों, और वह होते हैं कि जो मैथमेटिक्स यानी नंबर सिस्टम के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो चार ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है एडिशन, एडिशन। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और चौथा होता है आपका डिवीजन। हिंदी में हम इसे, अगर हम इसे बात करेंगे, ये प्लस होता है, ये और ये। ऑपरेशंस हमारे चार हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चार ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशंस के अंदर हम लोगों को ऑपरेशंस क्या है, यानी कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, दो दिए हुए हैं, ज्यादा दिए हुए हैं, तो उनके बीच में हमें एक रिलेशंस बनाया जाता है। क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई संख्या अगर हमको दे दे, हमें कह दिया कि आपको 3, 2, 5, 6, 7 है, और एक यहाँ पर कर दिया 2, 8, 3, 4 है। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन के माध्यम से इनको संख्याओं को जोड़ा जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसा होता है नॉर्मली। कभी कभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, देखो कि हम कहते हैं कि हमको प्लस करना है उन दोनों को, यानी कि ऐड करना है। कभी कभी कहते हैं कि नहीं हमको ऐड नहीं करना, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हमको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, कहते कि हमको डिवाइड करना है। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है, मैंने कहा देखो ऐसे नहीं होता क्या। सबसे पहला चीज होती है कि हमने देखा कि 3, 2, 5, 6, 7 इसकी डिजिट चेक करते हैं 2, 8, 3, 4 तो इसके नीचे रखेंगे 2, 8, 3, 4। इसमें हम राइट नहीं लेके लेफ्ट की तरफ से नीचे लेते हैं, इसके नीचे से मत लिख देना कि सारा गलत हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारा प्लस हो जाएगी पहली संख्या। दूसरी में हमने कहा कि ये 3, 2, 5, 6, 7 है और ये 2, 8, 3, 4 है, ये हमको सब्ट्रैक्ट करनी है, इतनी करनी है। तीसरी बात आप ही कहेंगे कि ये 3, 2, 5, 6, 7 है और 2, 8, 3, 4 है, ये मल्टीप्लाई करनी है, ये मल्टीप्लाई करनी है। और आखिर की चीज में आप लोग देखते हैं कि ये 3, 2, 5, 6, 7 है और ये है 2, 8, 3, 4 को डिवाइड करना, यानी ये देखिए इन दोनों नंबरों को, जो हमने दो नंबर लिखे थे, इन नंबर को हमने ऐड करके बताया आपको,
इनको हमने सब्ट्रैक्ट करके बताया, इसे मल्टीप्लाई करके बताया, इसे डिवाइड करके बताया, ये चार मेथड से आप लोग किसी भी संख्याओं को आप ऑपरेशन के माध्यम से करते हैं। तो आपकी समझ में आने चाहिए कि ऑपरेशंस किस तरीके से ये ऑपरेशंस कहलाते हैं, ये ऑपरेशंस है। लेकिन इन ऑपरेशंस के बाद इन ऑपरेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी नियम के तहत ये काम करते हैं कि कैसे हम लोग इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो आपकी समझ में ये आना चाहिए कि किसी भी उसके अंदर चार प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, यानी चार प्रकार के टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है ना भाई। किसी को जोड़ना है तो टाका लगा दिया, तो टाका लग गया तो जो हमारा कटा हुआ है वो जुड़ गया, हमने कैची लेके उसे फाट दिया तो क्या हुआ, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, किसी चीज को लगा दिया तो उसको, तो ये अलग अलग एक मेथड्स के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हम लोग इसे कर सकते हैं। समझ आए बच्चों? तो ये अभी हम आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं, बेसिक चीज बता रहे हैं जो आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और जितना अच्छी तरीके से आएंगी उतना ही आप लोगों को मजा भी आएगा। आगे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने ये सवाल बताया आपको अभी, अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, इसी का ही प्रॉपर्टी। यानी अगर हम कहेंगे अगली बात करने ऑपरेशन में, ऑपरेशन यानी प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन किसकी, ऑन नेचुरल नंबर की। अभी हम क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ये सभी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे मैं यहाँ नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, अगली बार मैं यहाँ होल नंबर लिखूंगा, ऑपरेशन है ये सेम रहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ तुम्हारा होल नंबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ तुम्हारा फ्रैक्शनल हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ आपका डेसिमल हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये रियल नंबर हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी यूज होती हैं, ये ध्यान रखना है, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये नहीं है कि हमने नेचुरल नंबर में सब में एक जैसी प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन उनके रिजल्ट्स जो होते हैं उनकी जो चीजें हैं वो अलग अलग प्रकार से आती हैं। ये बातें हम लोगों को देखनी है कि कैसे कैसे हम लोग इसको करते हैं, ये वाली बात आपको समझनी चाहिए। आपका ये चीजें चलती रहती हैं तो आपका वो चीजें दिमाग में बना रहता है। तो ये जो चीजें चलती रहेंगी, और एक चीज और आप लोगों को बता दें कि हम आपके लगभग 30-30 मिनट की वीडियो आपको सबके पास भेजेंगे, जिससे कि आप लोगों की समझ में आती रहेगी चीजें कि भाई चीजें क्या है क्या नहीं है, और फिर अगली उसी वीडियो को आगे इसे एक्सटेंड करेंगे। तो अभी मैं आपको फिर दोबारा एक चीज बता रहा हूँ, उसके बाद फिर अगली चीज एकदम वो रहेगी। जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया कि ये एक से लेकर इन्फिनिट तक जाते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, एंड डिविजन है, ये आपके हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ, ये वाली चीजें मैं आपको लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि क्या चीजें हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन सी लगती है, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। फिर हम प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। और चौथी जो है आपको अभी फिलहाल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये आसान सी बताता हूं मैं, फिर हम एक और प्रॉपर्टी बताएंगे आइडेंटिटी। पांचवी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी पे, लेकिन ये इंच प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग इन प्रॉपर्टी को अपने उसमें रीयूज करेंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी। क्या होती है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, का मतलब होता है कि जब भी किसी भी संख्या को हम इनका अलग अलग मतलब समझ जाएंगे आप, तो आपको चारों प्रॉपर्टी का काम पूरा हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को देखनी है, और इतना मैंने आपको आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम इसी
इसी चीज से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।